नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और इस वक्त युद्ध हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर कुछ बताना है, अहम बातें हैं, जरूरी हैं और इसीलिए आई हूँ, वरना क्यों ही आती और क्यों ही आप मुझे सुनते। तो खैर, बात युद्ध से शुरू की थी मैंने। रूस ताकतवर देश है, खा जा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा है, तबाह हो रहा है। तो युद्ध खत्म होना चाहिए या नहीं? जाहिर है हर अक्लमंद इंसान यही कहेगा कि हाँ, ये जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि युद्ध खत्म होगा कैसे? आखिर कौन करेगा इस युद्ध को खत्म? कोई कहता है अमेरिका करेगा, तो कोई कहता है भारत दोनों देशों के बीच इस युद्ध को रोक देगा। पर नहीं, असल में इस युद्ध को जिसे रोकना चाहिए वो संस्था वही कर रही है जो अब तक करती आई है, और वो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ये संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस वैश्विक संगठन की स्थापना हुई, पर क्यों ये जानना जरूरी है। असल में इसका मकसद ही था दुनिया को सिक्योरिटी देना, मतलब सुरक्षा देना, दुनिया के देशों को आर्थिक, सामाजिक और विकास की तरफ बढ़ाना, मानव अधिकार को महफूज रखना। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस संस्था की थी वो ये थी कि दुनिया को युद्ध से बचाए, विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करे, खासकर उन देशों में जो छोटे हैं और जो ताकतवर नहीं हैं। तो क्या आज दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत ऐसा कर पाई है? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई है? क्या वो इस धरा को युद्ध से बचा पाई है? क्या वो शांति और सुरक्षा का वातावरण बना पाई है? ये जानना होगा, खासकर तब जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो ताजा उदाहरण तो यूक्रेन ही है। अगर यूएन इतना प्रभावी होता तो शायद युद्ध नहीं होता, और अगर हुआ भी होता तो अब तक खत्म हो गया होता। पर नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा करने में नाकाम है, और आज से नहीं बल्कि दशकों से, या यूं कहें कि वो जब से अस्तित्व में आया है वो ऐसा कर ही नहीं पाया है। तो आपको यकीन ना हो और अगर भरोसा ना हो तो आंकड़े और इतिहास के पन्ने आपको दिखा देते हैं। 1975 में कंबोडिया में 20 लाख लोगों को बेवक्त मौत की नींद सुला दिया गया, और 193 देशों की ये कथित शक्तिशाली संस्था शांत रही, या कह सकते हैं लाचार रही, निर्मिर्मेश देखती रही। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 27 साल पहले का कातिल सत्य है। रवांडा में 8 लाख लोगों को बेवक्त खत्म कर दिया गया। सभ्य भाषा में इसी को नरसंहार कहते हैं। तो नरसंहार हुआ, सबको उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को आप हाथी के दांत कह सकते हैं, जो दिखता तो है पर करता कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी सूडान की है। इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की नाक के नीचे 3 लाख लोगों के कत्ले गारत की कहानी लिख दी गई, और ये महासंघ देखता रहा। क्या असल में तमाशा, ये कहना गलत नहीं होगा। कमोबेश ऐसा ही सीरिया, इराक, ईरान और खाड़ी के युद्ध में भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र के सामने ये खूनी चलचित्र चलता रहा और ये देखता रहा। तो अब तक ये आप जान चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की ये संस्था कितनी नकारा है, नाकाम है। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये नाकारा और नाकाम आखिर क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये आपको बताना और समझना भी आपकी जिम्मेदारी है और आपके लिए जरूरी है। अगर यूएन नाकाम रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उसी की संस्था, उसी की सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में इसे कहते हैं सुरक्षा परिषद। इसके बारे में जानते ही होंगे, आए दिन देश और दुनिया में इसे लेकर हल्ला हो मचता रहता है। तो भारत भी चाहता है कि वो इसमें शामिल हो जाए, लेकिन अब तक हो नहीं पाया है। इसकी वजह अनेकों है, वो भी बताएंगे आपको पर वक्त आने पर। लेकिन अभी बात सिक्योरिटी काउंसिल की। तो सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर हैं, हिंदी में हम इसे स्थायी सदस्य कहते हैं। इनके नाम है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और 5वां चीन। सुरक्षा परिषद की ये सूची देखने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये सारा खेल पावर गेम का है, क्योंकि इसमें दुनिया के 5 सबसे बड़े और सबसे ताकतवर मुल्क शामिल है, जो एक दूसरे की ही नहीं सुनते, असल में जो किसी की नहीं सुनते वो सिर्फ अपना नफा नुकसान देखते हैं। तो उनके लिए जो नुकसानदायक होगा वो उसे नहीं होने देंगे, और आज तक उन्होंने होने भी नहीं दिया है। पर इससे भी बड़ा लोचा क्या है वो बताते हैं, और वो लोचा है
वीटो नाम की पावर का। ये वीटो पावर वही पावर है जो सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर के पास होती है। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इन देशों की तादाद सिर्फ 5 है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। तो ये अपने मन माफिक यूनाइटेड नेशन को ड्राइव करते हैं, मतलब चलाते हैं। सिर्फ यूएन को ही नहीं, असल में ये देश पूरी दुनिया को चलाते हैं। कैसे, शॉर्ट में बताती हूँ। दुनिया की शांति और सुरक्षा से जुड़े किसी भी मसले पर फैसला होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में होता है, उसी यूएनएससी में जिसके 5 बड़े देश स्थायी सदस्य हैं। अब मान लीजिए कि किसी एक मसले पर 5 में से 4 देश सहमत हैं, लेकिन एक देश सहमत नहीं है, क्योंकि उसे उस फैसले से नुकसान होगा या उसके मित्र देश को नुकसान होता दिख रहा है, तो इस पर वो वीटो पावर लगा देता है। और अगर उसने वीटो पावर लगा दिया तो मतलब सारा का सारा फैसला, पूरा का पूरा मसला रद्द हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं चलता भैया, यहाँ वीटो चलता है। तो यही वीटो है जो दुनिया का काट रहा है और हम सब कट रहे हैं, वो भी सामूहिक रूप से। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कुछ काम का मसला लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।